मैं आपसे ये कह रहा हूँ, एक मिनट मुंगेरा जो जमीन पर कब्जे हुए 114 लोगों के खिलाफ 91 के अंदर भाई साहब सब सुन रहा हूँ, 91 के अंदर बेदखली के आदेश हुए, बेदखली के आदेश 30/12/2022 को हुए। 30/12/2022 के बाद में आज दिन तक क्या किया? आपसे जब भी बात करते हैं तो मैं दिखवाता हूँ, आप मेरे को बताइए कि ये क्या कारण है कि सरकारी जमीन की आप रक्षा करने में असफल हो। आप एक अधिकारी हो, मजिस्ट्रेट हो, आप अपनी जमीन की रक्षा नहीं कर सकते, हमारी रक्षा क्या कर सकते? सरकार आपको तनख्वाह कांग्रेस पार्टी नहीं देती है, आपको कांग्रेस पार्टी तनख्वाह नहीं देती है, राजस्थान सरकार देती, जनता है उसका पैसा दें, आप जनता का काम करिए। मांगे तो इतनी ज्यादा है, उस पर ऊपर निर्माण करवा दिया। जिला कलेक्टर को मैंने एक साल पहले इसके लिए कहा, नहीं माने। आयुर्वेद हॉस्पिटल की जमीन दबा ली, शरणार्थी स्कूलों की जमीन दबा ली, गैर मुमकिन पहाड़ की जमीन दबा ली, कारली नाडी की जमीन दबा ली, शमशान भूमि के पट्टे बना लिए, पुलिस फायरिंग रेंज के पट्टे बना दिए, वन विभाग की जमीन पर के पट्टे बना दिए। और मैं आपको क्या बताऊं, नदी नाले यहां तक कि जसदेव तालाब के अंदर कब्जे कर लिए, अब ये चारों तरफ ये। और माननीय विधायक को कहते हैं तो माननीय विधायक कहते हैं कि हमारी मानते है नहीं, और ये नगर पालिका वाले करते हैं, मेरी मानते नहीं। और नगर पालिका वालों को कहते हैं तो कि विधायक कहता है तो हम करते हैं, नहीं तो नहीं करते। तो दोनों के अंदर जमीनों की बंदर बांट हो रही है, और घोटाला के अंदर हिंदुस्तान के अंदर जितने कांग्रेस पार्टी ने घोटाले नहीं किए उससे ज्यादा नगर परिषद बाड़मेर के घोटाले, और इस घोटाला की भारतीय जनता पार्टी बहुत भारे पैमाने पर जांच कराएगी, और भारतीय जनता पार्टी का शासन आएगा, और जो आज साइन करके पैसे जो अपनी जेब भर रहे हैं उन सब लोगों की जेबें खाली कराई जाएगी, ये मैं आपको कह रहा हूं। बताइए और किन मांगों को लेकर आप बैठे हुए? मेरा नाम बढ़िया चौधरी, मैं वार्ड संख्या 20 से पार्षद हूँ। मैं मेरे वार्ड में पानी की बहुत भयंकर समस्या है, पानी सप्ताह में एक बार सप्लाई होती है, 10-15 मिनट सप्लाई होती है, 20-25 पानी मुश्किल से आता है, लोग मेरे घर पे आके धरना देते हैं, तभी मैं आज यहाँ पे हमारे वार्ड वासियों के साथ पहुंची हूँ। और मेरे वार्ड में बिजली की भी बहुत समस्या है, बिजली भी 24 घंटे में 10-15 घंटे कटौती रहती है। ये बताइए, आज आपने कलेक्ट्रेट के बाहर मटकियां भी फोड़ी है, और क्या यहाँ अंदर बैठे हो, कोई ज्ञापन लेने वाला नहीं? हाँ, प्रशासन पूरा यहाँ पे है नहीं, ज्ञापन लेने वाला कोई है नहीं, तो मटकियां तो हमने, हमारे टांके भी घर पे खाली है, तो हम खाली मटकियां भी कहाँ से भरे, तो हम मटकियां लेके आए फोड़ी है। और यहाँ पानी की समस्या, तभी गर्मी की, गर्मी में पानी से रात मिलती है, पानी भी नहीं मिलता है। तो 4.5 वर्षों से राजस्थान में कांग्रेस ने सरकार द्वारा भय, भ्रष्टाचार, जंगलराज, तुष्टिकरण, अराजकता का वातावरण पैदा किया हुआ है। इसी कड़ी में बाड़मेर जिले की चारों विधानसभाओं में यही वातावरण है, विशेष करके बाड़मेर विधानसभा के बाड़मेर शहर में नगर परिषद का बोर्ड भी उनका ही है, और एक तरह से निरंकुश तंत्र अपना रखा है उन्होंने, अराजकता का वातावरण खड़ा कर दिया है। एक हमारे कोई कार्यकर्ता लेटर पेड लेकर के एक्शन पास गए, तो उन्होंने कहा ये भगवा रंग हमारे को सता रहा है, यहां तक इनके शब्द है। यहाँ के जो विधायक है मेवाराम जोत बहुत अराजक हो रखे हैं, उन्होंने पत्रकारों के हाथ पैर तोड़ दिए, निरपुष्टता, सबको डराना, धमकाना, पानी की भयंकर कमी उसके बावजूद कहना हमारे को वोट देंगे तो हम आपके वार्ड में पानी की सप्लाई करेंगे, नल कनेक्शन करना हो, पानी का कनेक्शन करना हो, छोटे मोटे काम हो, तो डरा के, धमका के, तानाशाही, हिटलरशाही रवैया अपना करके, इस कारण यहाँ के शहर की जनता त्रस्त है, जनता दुखी है। आज गुस्सा फूट रहा है पानी की भारी किल्लत के कारण। आप सबने देखा कि कलेक्ट्रेट के बाद पोर्च पर यहाँ महिलाओं ने मटकियां भी फोड़ी, महिलाओं का गुस्सा भी आप देख सकते हैं, चारों तरफ आक्रोश का वातावरण है। ये सभी कार्यकर्ता यहाँ धरना देकर के बैठे हैं, जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हैं कि समस्या का तुरंत निवारण करें, और यहाँ के शासन से वो दबे नहीं, प्रशासन स्वयं के कर्तव्य के प्रति थोड़ा जागरूक होकर के अपने कर्तव्य का निर्वहन करे, धर्म का निर्वहन करे, जनता की संवेदनाओं को और समझ करके मानवता का परिचय दे, ये मांग रखने के लिए हम आए हैं। तो अब क्या, जब तक ज्ञापन नहीं दिया जाएगा तब तक हम यही बैठे रहेंगे? ये कार्यकर्ताओं की भावना है, सब पार्षद है, पार्षद प्रत्याशी है, पूर्व पार्षद है, कई वरिष्ठ कार्यकर्ता है, भाजपा का पूरा संगठन भी है, कई कारण है जिनके कारण यहाँ के कार्यकर्ता त्रस्त हैं। इन सभी मांगों को लेकर हम यहाँ धरने पे बैठे हैं, जब तक कलेक्टर महोदय आकर के हमारी मांग नहीं छोड़ेंगे तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। आपने जमीन के ऊपर भी कुछ आरोप? सरकारी भूमि के कई खसरे हैं, अखबारों में भी आए हैं, उस पर फर्जी पट्टे बना करके
यहाँ के विधायक के संरक्षण में बहुत लोगों ने बंदरबांट कटनी शुरू करी है और यहाँ के जितने भी कांग्रेस के पार्षद हैं, नेता है, उस बंदरबांट में लगे हुए हैं। भ्रष्टाचार आकंठ में डूबी हुई है सरकार और यहाँ के विधायक सीएम बने हुए हैं। दो दिन पहले सीएम की जो बैठक थी वहां आप सबने देखा कि सरकारी मशीनरी का भारी दुरुपयोग किया, उसके बावजूद आधी कुर्सियां खाली थी। आंगनवाड़ी महिलाएं चीख चीख कर कराह रही थी, अपनी मांग रख रही थी, कोई मांग उनकी सुन नहीं रहा था। मुख्यमंत्री जी केवल 10 महिलाओं को बिठा करके और जन सुनवाई की मात्र औपचारिकता करके यहां से चले गए। आप सबने देखा कि सीएम का दौरा एकदम खाली रहा और वैक्यूम ही रहा। कुल मिलाकर के सीएम यहां आता है, कुछ भी नहीं करके जाता है, इसको क्या कह सकते आप। कुल मिलाकर करके कांग्रेस रसातल में जाने वाली, जनता में आक्रोश है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समस्त इन मांगों को लेकर के एकत्र हुए।